अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो गाइज, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और एक अच्छे वाला आप लोगों ने कमेंट करना है। और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओपन एटमॉस्फेयर में, गैरेज में, लॉन में कर रहा हूँ। तो बाहर जो है वो ट्रैफिक वगैरह गुजर रही है, तो उसका शोर भी थोड़ा बहुत आएगा, तो मैनेज करिएगा। तो गाइज़, इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें, बिकॉज आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ प्रैक्टिकल्स के बारे में। आप लोगों ने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, मैंने तो सोचा था कि चैनल ख़त्म हो गया, अब आप लोगों ने 3-4 महीने इस चैनल पे आना ही नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए व्हाट्सएप ग्रुप में भी, मुझे काफ़ी लोगों ने मतलब वहाँ से नंबर लेके मुझे कॉन्टेक्ट किया। और नीचे मतलब अगर आप वीडियोज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो काफ़ी सारे मतलब कमेंट्स में जाएं तो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं प्रैक्टिकल रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा चले प्रैक्टिकल्स पे भी एक दो वीडियोस बना ही देता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। और जो है लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। आपके साथ मेरी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उन पर क्लिक करके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाटएवर, आप सारे के सारे जो हैं जितने भी जो है आप लिंक आप उन पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, तो गाइज़, अब ये है कि प्रैक्टिकल्स की वीडियो बनाने के बाद उसके बाद तो आप लोगों ने इस चैनल पे आना नहीं है, तो मैंने सोचा कि 3-4 महीनों के लिए मैं थोड़ा कंटेंट चेंज कर दूँ, तो इस पर और बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है, एंटरटेनमेंट का भी भरपूर इंतज़ाम किया जाएगा। तो हम चलते हैं जी प्रैक्टिकल्स की तरफ। बेसिकली जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो गाइस, जो प्रैक्टिकल है, सबसे पहले बात इसमें ना 2-3 चीज़ें होती हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, सबसे पहला आपके लिए जो होता है प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है? आपके प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न क्या होगा, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा गाइस, जो इसके अंदर सेकंड चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल में जाना है तो आपको जाते ही एग्जामिनर सबसे पहले ये कहेगा कि आप पहले 20 मिनट में ये एक्सपेरिमेंट है लिखना शुरू कर दें। तो आपने पहले 20 मिनट में लिखना क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट 20 मिनट्स की प्रेपरेशन कैसे करनी है आपने, वो भी आप देख लें। और फर्स्ट 20 मिनट्स की प्रेपरेशन के लिए मैं भी आपको गाइड करने वाला हूँ, आपने उसमें याद क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यही कहते हैं जी, मतलब प्रैक्टिकल में हमने करना कराना कुछ नहीं होता, सिफारिश लग जाती है, लेकिन इसमें बेसिकली याद भी करना होता है और लिखना भी होता है। मैं अभी बता दूंगा आपने क्या याद करना, क्या लिखना है केमिस्ट्री के बारे में। अच्छा, तो गाइज, उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है, तीसरी चीज़ ये होती है कि मतलब परफॉर्मेंस क्या करनी होती है उसके बारे में भी। तीसरी चीज़ क्या है? परफॉर्मेंस। तो आपने परफॉर्मेंस क्या करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइज, जो चौथी बात होती है वो ये होती है कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनानी है और प्रैक्टिकल कॉपी में आपने लिखना क्या है। ये 4 बातें हैं जिनमें आप कन्फ्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ द प्रैक्टिकल, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। लेट्स टॉक अबाउट पेपर पैटर्न। तो गाइज, पेपर पैटर्न जो है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो सॉल्ट एनालिसिस का होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। सॉल्ट एनालिसिस 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपने जस्ट परफॉर्म करना होता है। इसमें आप लोगों को पहले 20 मिनट्स में इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, तो इसकी बात भी हम एंड पे जाके करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो गाइज टाइट्रेशन का होता है। टाइट्रेशन का जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर आपसे परफॉर्म नहीं करवाया जाता, लिखा ज़रूर होता है कि परफॉर्म करना है लेकिन आपसे परफॉर्म नहीं करवाया जाता, तो 10 नंबर का वो होता है। अब ये मेन चीज़ है जिसमें से आपने नंबर लेने हैं, बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस नहीं है, पहले 20 मिनट में इसमें लिखना ही होता, तो आपने लिखना क्या है। किसी भी टाइट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने चंद एक चीज़ें लिखनी होती हैं। आपने सबसे पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मतलब उसका बेसिक प्रिंसिपल फाइंड करना होता है। दूसरे नंबर पे आपने लिखना होता है उसकी उसका जो है इंडिकेटर कौन सा होगा। तीसरे नंबर पे आपने उसका एंड पॉइंट लिखना होता है। चौथे नंबर पे आपने इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। पांचवें नंबर पे आपने उसकी मोल रेशो बतानी होती है। छठे नंबर पे आपने ऑपरेटर्स लिखना होता है, और ऑपरेटर्स हमेशा टाइट्रेशन के लिए हर तरह का सेम ही होता है। और सातवें नंबर पे आपने उसका आपने उसका प्रोसीजर लिखना होता है। और आठवें नंबर पे सपोज्ड कैलकुलेशंस करनी होती हैं, वो कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, या इसे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने
ये वाली जो चीज़ें हैं ये करनी होती हैं। एक जनरल सा प्रैक्टिकल का जो है वो टाइट्रेशन की एक जनरल इन्फॉर्मेशन वो मैं बता दूंगा किसी न किसी वीडियो में, तो आप उस तरह से कर लेंगे तो आपका वो प्रैक्टिकल का जो है वो सीन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये 20 नंबर हो गए। अब अगला जो तीसरा क्वेश्चन होता है ये शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स का होता है, ये 5 नंबर का होता है, ये भी पहले 20 मिनट में आपने लिखना होता है। पहले 20 मिनट में एक तो टाइट्रेशन लिखनी होती है, टाइट्रेशन के बाद दूसरे नंबर पे टाइट्रेशन की जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप वीडियो थोड़ी रिवाइंड करके देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट का, ये 5 नंबर का होता है। तो मतलब पहले 15 नंबर जो हैं वो पहले 20 मिनट में आपने सिक्योर करने होते हैं और उनके लिए आपने शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स को याद करके जाना होता है। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले शॉर्ट एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर उसके लिए मतलब एपरेटस के लिए शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स का एपरेटस नंबर 1, केमिकल्स एंड रिएजेंट्स नंबर 2, प्रोसीजर नंबर 3, अगर केमिकल इक्वेशन है तो केमिकल इक्वेशन भी आपने याद करनी है, नंबर 4, नंबर 5 पे उसकी डायग्राम एंड नंबर 6 पे अगर उसकी कोई ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस हैं तो वो आपने सपोज्ड ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन लिखनी और वो जो कॉपी पे लिखी हुई उन्हीं को याद करके आपने चले जाना है क्योंकि वहाँ आपने सपोज्ड लिखनी है। तो 5 नंबर इस एक्सपेरिमेंट के होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि ये शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के हैं कुछ सेकेंड ईयर के हैं। तो गाइज, जो फर्स्ट ईयर के शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करने वाला आता है, दूसरे नंबर पे जो होता है वो कॉमन आइन इफेक्ट वाला होता है तो जिसमें सोडियम क्लोराइड जो होता है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। गाइस, तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन होता है यम क्रिस्टलाइजेशन, बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन है, बेंजोइक एसिड की मैट्रिक में आपने कॉपर सल्फेट की पड़ी हुई है, यहाँ पर बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन आती है। और गाइस, ये क्रिस्टलाइजेशन वाला हो गया। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी के दो होते हैं, एक में अपने इंक्स के मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, एक में अपने कैडमियम में जिंक कैडमियम एंड जिंक का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करना होता है, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है एक येलो जो है प्रेसिपिटेट देता है। तो ये आपके 5 एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं और छठा एस्टिमेशन ऑफ बेरियम होता है। ये 6 एक्सपेरिमेंट शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में आते हैं। गाइस, इनको आपने याद करके जाना है A to Z, जो बातें मैंने आपको बताई हैं जिनमें से मैं रिपीट कर देता हूँ, अपने अपरेटस करना होता है, उसके केमिकल्स एंड रिएजेंट्स करने होते हैं, प्रोसीजर करना होता है, उसकी डायग्राम करनी होती है अगर कोई केमिकल इक्वेशन है वो याद करनी है, और उसके ऑब्जर्व सपोज्ड ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस आपने लिखनी होती हैं। तो ये चीज़ें आपने याद करके जानी है। ये शॉर्ट एक्सपेरिमेंट जो 6 मैंने बताएं ये फर्स्ट ईयर के हैं। अब सेकंड ईयर की प्रैक्टिकल कॉपी पे आ जाएं तो सेकंड ईयर बाद लोगों की कॉपी सेम होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंबाइन होती है, तो उसमें आप सेकंड ईयर वाले पोर्शन पे चले जाएं। सेकंड ईयर के पोर्शन में भी कुछ जो होते हैं वो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन ऑफ सबसे पहली जो है वो एस्पिरिन है शायद, दूसरी है ग्लूकोसाजोन है, तीसरी जो है कॉपरमाइन कॉम्प्लेक्स है, और जो चौथी प्रेपरेशन है उसके अंदर चौथी प्रेपरेशन कौन सी होती है, आयरोफॉर्म, चौथी प्रेपरेशन जो बेसिकली आयरोफॉर्म की प्रेपरेशन होती है। तो इनकी प्रेपरेशन में भी वही सारी चीज़ें करनी है जो मैंने पहले बताई हैं कि रिएजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, अपरेटस है, प्रोसीजर है, उसके बाद डायग्राम है, इक्वेशन अगर है तो लिख देनी है आपने, और सपोज कैलकुलेशन इसमें वैसे नहीं है, और एंड पे रिजल्ट ज़रूर लिखना होता है सपोज में भी। अच्छा जी गाइज, उसके बाद इसे नेक्स्ट जो आते हैं वो बेसिकली आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ बेरियम, मेरे ख्याल सेकंड ईयर में है, मैंने फर्स्ट ईयर में बोल दिया। और इसके बाद जो है एलिमेंटल एनालिसिस आते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस में हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसमें लिजाइन सोल्यूशन होता है, लिजाइन सोल्यूशन वाला एक्सपेरिमेंट, लिजाइन सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, लिजाइन सोल्यूशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको, तो हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट अदर देन कार्बन एलिमेंट्स जो हो सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, जिनमें सल्फर हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है और हैलोजन्स हो सकते हैं। हैलोजन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की जाती है। फ्लोरीन, फ्लोरो कंपाउंड जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए उनकी बात नहीं की जाती। तो ये आपने इन सब के लिए एक एक टेस्ट याद करना है एटलीस्ट, एक तो सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, एक दूसरे नंबर पे आपने क्लोरीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कन्फर्मेशन कैसे करनी है, उसका एक कन्फर्मेटी टेस्ट, ब्रोमीन का कन्फर्मेटी टेस्ट, आयोडीन का कन्फर्मेटी टेस्ट, उसके बाद आपने करना है सल्फर का कन्फर्मेटी टेस्ट। बाइक गुजरी, बाइक से काफ़ी ज़्यादा शोर आ गया होगा, तो सल्फर का कन्फर्मेटी टेस्ट और सल्फर के साथ नाइट्रोजन का कन्फर्मेटी टेस्ट, तो ये जो हैं आपने करने हैं। उसके बाद आपने मतलब प्रैक्टिकल कॉपी, जो प्रैक्टिकल कॉपी पे ये शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स भी लिखने हैं, टाइट्रेशंस भी लिखनी है, और टाइट्रेशंस कौन कौन सी लिखनी है वो भी मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ।
तो गाइज ये उसके बाद जो प्रैक्टिकल वाइवा के 3 नंबर हैं और प्रैक्टिकल कॉपी के 2 नंबर हैं, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखने हैं। बाकी जो क्रॉस लाइनिंग होती है, मतलब वर्टिकल लाइंस लगी हुई आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में, उसमें आपने एसिड और बेसिक रेडिकल्स लिखने हैं, तो आप उन पे कोई से 10 एसिड और कोई से 10 बेसिक रेडिकल्स लिख दें, या जो आपके क्लास जो लैब के टीचर हैं उन्होंने करवाए हुए हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई से 10 लिख दें एसिड पॉजिटिव वाले और कोई से 10 नेगेटिव वाले, जैसे कॉपी में लिखे हैं आपने वैसे ही छापा लगा देना है। तो कॉपी में आपने क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट एक्सपेरिमेंट सारे लिखने हैं, दूसरे नंबर पे आपने टाइट्रेशन वाले कोई से 10 या 12 या 15 एक्सपेरिमेंट लिख दें, कोई से भी लिख दें। उसमें ये ख्याल कर लीजिएगा कि 3 कैटेगरी हैं आपकी, एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, कोई 7-8 एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिख दें, और उसके बाद एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी बेसिकली कुछ फार्मूलाज हैं जो जिस तरह से हमने लिखने होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई से कोई भी लिख दें। अब इतनी वीडियो में मैं नहीं बता सकता कि कौन से आपने लिखने हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है, कोई 3-4 रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिख दें, आईडीमीटर टाइट्रेशन है कोई 2-3 उसके लिख दें, तो आपका ये टाइट्रेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और एसिड बेस रेडिकल जो हैं, एसिडिक रेडिकल के कोई 10 लिख दें, कोई 10 बेसिक रेडिकल के लिख दें, तो ये आपकी कॉपी हर लिहाज से कंप्लीट हो जाएगी। और जो वाइवा वॉइस है, वाइवा वॉइस के भी कुछ क्वेश्चंस कॉमन हैं जो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, आपका वाइवा भी तैयार हो जाएगा। और मैं लेट नहीं करूंगा, मैं कल तक वो भी वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो गाइज ये दैट्स हाउ, आपने अगर पूरी वीडियो अच्छी तरह से सुन लिया तो होपफुली आपको प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी आइडिया हो गया होगा। इससे पहले भी मैंने अपलोड की थी वीडियो लास्ट ईयर भी, लेकिन बच्चों को मिल नहीं रही, वो बार बार पूछ ही जा रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं फ्रेश वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी सारा आइडिया हो जाए। और बाकी गाइज प्रैक्टिकल रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, क्वेश्चन प्लेस कर दें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अगर मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लेंथी है जिसका आंसर, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं लाइव भी हूँ और लाइव आके भी आपकी काफ़ी सारी बातें बता दूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा, जून की गर्मी में विदर फैन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी गाइज मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।